आपने YouTube पे बहुत से ऐसे वीडियोस देखे होंगी जिनके टाइटल कुछ इस तरह से होता है कि दुनिया के 10 खतरनाक तरीन जानवर, या दुनिया के 10 खतरनाक तरीन शहर, या दुनिया के 10 खतरनाक तरीन जगहें, या कुछ इस तरह सा इससे मिलता जुलता, और उनके जो व्यूज होते हैं वो भी मिलियंस में होते हैं, और कुछ हिस्ट्री टाइप वीडियोस होती हैं वो भी कुछ इस तरह की होती हैं और उनके व्यूज भी मिलियंस में होते हैं और वो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप वो वीडियो किस तरह बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट आरजे फारूक, आपको आपके अपने चैनल स्किल फॉर सक्सेस में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हम टॉप 10 रिलेटेड वीडियोस किस तरह बना सकते हैं, और इनका ट्रेंड भी एक होता है, कोई भी टॉपिक चूज करके आप उस पर टॉप 10 पे वीडियोस बना सकते हैं। आप डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वीडियोस कहाँ से कलेक्ट करेंगे, और उनकी जो है अपना ऑडियो वीडियो को किस तरह कंबाइन करके आप वीडियो बनाएंगे, किस तरह पब्लिश करेंगे। आज के वीडियो में आपको ए टू जेड सब कुछ समझाने वाला हूँ, सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना, कहीं से भी मिस नहीं करना, आपने ए टू जेड सारी वीडियो देखनी है। मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसमें सब चीजें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली सबसे पहले मिल सके। और किसी किसी में कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको वीडियो में किसी चीज़ की समझ ना आती हो, तो आप YouTube वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपकमिंग डेज में इंशाल्लाह मैं एक इस तरह काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो चैनल्स पर काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको व्यूज़ नहीं आ रहे, या वीडियो की ऐसी वो ठीक नहीं हो रही, तो इस समय वन बाय वन लाइव आके तो हर एक की चैनल जिसका भी कोई भी इशू होगा उसको मैं एक वीडियो कम्प्लीटली सेटअप बेसिक एसईओ के साथ उसको करके दूंगा, और इंशाल्लाह उस सेटअप के बाद व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे लाजमी। और बहुत से दोस्त अक्सर मुझे ये भी कहते हैं कि मेरे ये चैनल पे व्यूज़ नहीं होते और मैं कुछ इस तरह से समझा रहा हूँ, तो ये चैनल मैंने जस्ट फॉर हेल्पिंग पर्पज़ मैंने बनाया हुआ। जो मेन चैनल होते हैं वो मेरे और हैं, जिनसे अर्निंग मेरी होती है वो मेरे चैनल और हैं, ये जस्ट मैं एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आज के हम वीडियोस किस तरह क्रिएट करेंगे। जी, हमारा ये स्किल फॉर सक्सेस ग्रुप है फेसबुक का, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आज भी आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने इसको अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो इसको ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको इंस्टेंट सपोर्ट मिलेगी। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसको ज्वाइन करने के बाद आपके सामने पिन पोस्ट में एक डॉग फाइल आएगी। डॉग फाइल में अब तक के हमारे जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं सबके लिंक्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप वन क्लिक पे कोई भी वीडियो वॉच करके तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ई कॉमर्स, सीपीए, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब और फाइबर से रिलेटेड और कुछ स्किल्स ऐसी सिखाई गई हैं जिसमें आपको कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप वन वीडियो देख के तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं कि मैं पहले आपको यूट्यूब पे ले चलता हूँ। यूट्यूब में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि टॉप 10 या टॉप 5 जो भी चैनल्स आप बनाने जा रहे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह बनाएंगे, उस पर लोग जो काम कर रहे हैं। जिस तरह मैं आप जस्ट हिंदी को कवर कर लेता हूँ कि हिंदी के कोई चैनल है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह ये टॉप 10 हिंदी है, ये टॉप 10 हिंदी चैनल है, मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, यहाँ पे चैनल पे क्लिक कर देता हूँ, तो टॉप 10 के नाम से जितने भी चैनल है वो मेरे सामने आ गए। तो इसकी मैं एक बार अर्निंग आपको दिखा देता हूँ, फिर इनका वे ऑफ वर्किंग है वो किस तरह करते हैं वो मैं आपको सारा बता देता हूँ। जिस तरह ये मैंने चैनल का लिंक कॉपी किया है, और इसके बाद मैं सिंपली आ जाता हूँ सोशल ब्लेड में। सोशल ब्लेड में आने के बाद यहाँ पे चैनल का मैं लिंक पेस्ट करूँगा, और चैनल की जो अर्निंग वगैरह जो भी इसकी प्रोग्रेस है वो सारी हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। इसने अब तक की 234 वीडियोस अपलोड की हैं और 2.59 मिलियन जो इसके सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया कंट्री का है, और 2017 में ये बना था, तो अभी 2020 इसको 3 साल हो गए हैं। तो इसके अगर आप अर्निंग चेक करें मंथली तो 3.1K से 49.9K आई, मेरे ख्याल में ना ये राउंड अबाउट 20-25 हज़ार पर मंथ तक इसकी अर्निंग होगी। इसके जो वीडियोस के अगर आप इसको देखें, इसको व्यूज़ जो डेली के मिल रहे हैं 5,28,000 इसको व्यूज़ मिल रहे हैं, और डेली की अर्निंग यहाँ पे शो हो रही है 132 से लेकर $2,000 तक जो इसकी अर्निंग शो हो रही है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक राउंड अबाउट तकरीबन $20-25,000 तक जो इसकी मंथली अर्निंग होगी। और जो काम किस तरह करता है, कंटेंट किस तरह बनाते हैं, वो मैं सारा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप पाकिस्तान, आप उर्दू में या आप हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में करना चाहें तो वो और भी बेस्ट है। जिस तरह के टॉप 10 या टॉप 5 आपने चैनल्स देखे होंगे जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने शो करवाई होती हैं, और एक हिस्ट्री चैनल बनाया होता है। जिस तरह के मैं जस्ट यहाँ पे ये लिख देता हूँ दुनिया के 5 खतरनाक, जिसमें ये लिख देता हूँ। तो इस तरह के जो चैनल हैं
जिसमें दुनिया के 5 खतरनाक तरीन जेल, अगर दुनिया के चंद खतरनाक तरीन जेल, इस तरह के जो चैनल है आप किस तरह बना सकते हैं। जिस तरह के मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जिस तरह के टॉप 10 डेंजरस डॉग्स, जिसमें ये लिख देता हूँ डॉग्स, ये आगे हमारे पास, ये आपके सामने देखिए ये लिस्ट आ रही है टॉप 10 डेंजरस डॉग्स की, जिसमें अभी देखें फर्स्ट पे ये पिटबुल आ रहा है। मैं आपको छोटे से एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, डॉग्स को ही मैं सर्च करके बता रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी कुछ भी और सर्च कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखें पिटबुल डॉग है, ये आ गया, ये डेंजरस जो डॉग्स हैं वो मैंने सर्च की हैं। आप सिंपल यहाँ पर सर्च करेंगे पिटबुल डॉग, और आपके सामने जो इसकी हिस्ट्री है ना डॉग की, कि डॉग क्या है, कहाँ है, किसा है, तो ये आपको वैसे जो विकीपीडिया है वहाँ से मिल जाएगी, आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। देखें ये विकीपीडिया के शो हो रहा है, अब यहाँ पे आपको इंग्लिश में शो हो रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, इस तरह आप विकीपीडिया पे चले जाते हैं, जिस तरह मैं ये विकीपीडिया पे आ गया हूँ, ये सारा जो लिखा हुआ है ना ये इंग्लिश में शो हो रहा है, लेकिन आप इसको उर्दू में करना चाहते हैं, जिस तरह का मैंने जस्ट ये कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करूँगा, इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है, आपने यू यूज़ करना है। और देखिए यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ, तो ये आपके सामने लिखा रहेगा पिटबुल एक किस्म के कुत्ते का नाम है जो डेरों से आता है, पिटबुल के किसी, जो सारा कुछ लिखा हुआ है ना आपने, इस तरह आप जो है अपने एक नोट पैड में लिख सकते हैं और उसको आप अपने पास सेव कर लेंगे। आप टॉप 5 पे बनाना चाहते हैं चैनल या टॉप 10 पे बनाना चाहते हैं, ये तो आ गया कि आपके पास किस तरह कंटेंट जो आप बोलना है वो किस तरह आपके पास आएगा। तो ये नंबर एक मेथड तो ये आ गया कंटेंट का, कि आप यहाँ से जो आपको मिलता है आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, और जो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आप बोल के वो वीडियो में बताएं। अब ये तो आगे बात हमारी वर्डिंग की, हमने बोलना क्या है, किस तरह हमने कंटेंट लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी वीडियो की तरफ, कि वीडियो हमें किस तरह मिलेगी उससे रिलेटेड। जिस तरह मैं अभी YouTube.com पे आ जाता हूँ, जो हमने अभी सर्च किया था कुत्ते का नाम क्या था, हम दोबारा पिटबुल, ये मैं सर्च कर लेता हूँ, ये आ गया। यहाँ पे मैं YouTube पे इसको सर्च करूँगा, सर्च करूँगा तो हमारे पास ये सामने काफ़ी वीडियोस आ जाएंगे। जिस तरह पिटबुल मैं आगे डॉग भी लिख देता हूँ, वो इंसान भी सामने किए जा रहा है, इसलिए मैं सारे डॉग भी लिख रहा हूँ ताकि जो डॉग्स हैं ना उनकी वीडियोस आ जाए सामने। ये जी पिटबुल जो डॉग्स हैं उनकी वीडियोस आ गई हैं। अब यहाँ पे आपने फ़िल्टर यूज़ करना है, फ़िल्टर यूज़ करना है आपने क्रिएटिव कॉमन यूज़ करना है, क्रिएटिव कॉमन को मार्क करेंगे तो आपको सामने ये जो वीडियोज़ आ रही हैं आप इनको सबको री यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह कि आपको टॉप पे फर्स्ट पे वीडियो नज़र आ रही है, मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ कि एक वीडियो क्रिएटिव कॉमन है और रीयूज अलाउड है। आप सिंपल वैसे ही वीडियो डाउनलोड करके उसे डायरेक्ट आगे अपलोड नहीं कर देंगे, आप उसमें जो है आप एक जो चैनल पूरा बना रहे हैं टॉप 10 या टॉप 5 में, आप हर वीडियो को एडिट कर रहे हैं, आप उसमें अपनी वॉइस ऐड कर रहे हैं, तो सारा कुछ चेंज हो जाता है। अगर आप वैसे ही अपलोड कर देंगे तो उस पर अपना कॉपीराइट आ सकता है, तो लेकिन जो ये क्रिएटिव कॉमन है आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि रीयूज़ अलाउड है, आपने इसको इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। आप इस वीडियो को सिंपली डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के लिए आप मैनेजर भी यूज़ कर सकते हैं, जो IDM है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, या आप downvids.net है इस पर आ सकते हैं। हम यहाँ पे जस्ट इसका लिंक कॉपी करेंगे, लिंक कॉपी करके हम इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आप लिंक पेस्ट करेंगे, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस तरह वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना, तो आपके सामने यहाँ पे वीडियोज़ जो है ना वहाँ पे वो अभी शो हो जाएगी। यहाँ पे आपके सामने जिस तरह अभी ये यहाँ पे वीडियो आ गई है, यहाँ डाउनलोड के बटन पे यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और सेव लिंक एज पे क्लिक करूँगा, तो मेरे से ये डेस्टिनेशन पूछेगा कि आप ये वीडियो कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। जिस तरह की अभी ये आ रही है, मैं इसका नाम जो रख देता हूँ पिटबुल जो नाम था इसका, व्हाटएवर जो भी था, मैं वो रख देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो ये वीडियो मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगी। जिस तरह ये वीडियो अभी डाउनलोड हो गई है, इस तरह आपने के जो भी होंगे टॉपिक्स आपने उससे रिलेटेड, ये तो देखें मैंने एक वीडियो डाउनलोड की है, आप इस पे जाते हैं तो ये जो आपको बाकी और भी वीडियोज़ नज़र आ रही हैं ये सारी जो है क्रिएटिव कॉमन का हमने फ़िल्टर यूज़ किया हुआ, तो हम इसमें हमें जो भी वीडियो मिलेंगी वो क्रिएटिव कॉमन ही मिलेंगी और सब रीयूज़ अलाउड होंगे। आपने जो भी वीडियो ओपन कर लेनी है आपने एक बार उसको लाजमी देख लेना है कि जो आपको फ़िल्टर लगा है उसके मुताबिक ये क्रिएटिव कॉमन ही है, रीयूज अलाउड है। अगर क्रिएटिव कॉमन है तो आप उसको यूज़ करेंगे, अगर आप वो स्टैंडर्ड लाइसेंस वाली हैं तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरह अभी हमने ये सर्च किया था, और सेकंड नंबर पे अगर हम आ जाते हैं तो सेकंड नंबर पे हमारे पास था ये नाम आ रहा है जी, ये भी कुत्ते का नाम है, हम इसको पहले यहाँ पर सर्च करेंगे जिस तरह का पहले हमने किया था। ये मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ,
तो ये कुत्ते की किस्म है, ये यहाँ पे आ गया। इस तरह आप यहाँ पे दोबारा विकिपीडिया पे जाएंगे और आप इसका जो आपको कंटेंट मिल जाएगा आप उसको उर्दू में अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ, ये इसको मैं सिंपल और ट्रांसलेटर यूज़ करूँगा, यहाँ पे आकर दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको इसकी उर्दू मिल जाएगी। आप जो भी उर्दू है वो सारी यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करके तो आप सिंपल अपने पास नोट पैड ओपन कर लें, जिस तरह के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। नोट पैड ओपन कर लेना, नोट पैड ओपन करके आपने अपने पास लिख लेनी है जितनी भी आपने चीज़ें, एक टॉपिक रिलेटेड जो भी लिखनी है, जो भी फाइंड करनी है आपने एक नोट पैड में लिख लेनी है। नोट पैड लिखने के बाद आप कोई भी जो है अपना वॉइस रिकॉर्डर वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप जो ये ऑडासिटी सॉफ्टवेयर है आप ये यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। जिस तरह के अभी जो मैंने ये लिखा हुआ था, यहाँ पे आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, जिस तरह की मेरी अभी हो रही है। तो इसका ऑडासिटी यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो आपका नॉइस वगैरह है वो आप इसको इजीली ख़त्म कर सकते हैं। तो जिस तरह अभी मैंने ये कर लिया, मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। देखिए अब जिस तरह आपको नॉइस यहाँ पर फ़र्ज़ किया, ये हमारा नॉइस आ रहा है यहाँ पर, जितना नॉइस हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इतने एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद नॉइस रिडक्शन में गए और गेट नॉइस प्रोफाइल पे चले गए। अब जो नॉइस है इसने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम क्या करें, कंट्रोल ए करेंगे, ये सारा एरिया सेलेक्ट हो गया है। अब दोबारा इफेक्ट में जाएंगे और नॉइस रिडक्शन पे जाएंगे और ओके कर देंगे, तो हमारे जो उसने हमने पहले नॉइस अपना गेट किया था वो सारा वीडियो में से जो भी नॉइस जहाँ जहाँ भी होगा, जहाँ जहाँ भी शोर होगा, वो सारा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और आपने इस तरह कर लेना है। इस तरह करने के बाद आप सिंपली जो है ये यूज़ कर सकते हैं। मैं कमतास्किया यूज़ करता हूँ, आप भी कमतास्किया यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने ये वीडियो अभी डाउनलोड की थी, ये कुत्ते की वीडियो थी, इसको लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर वीडियो छोड़ी है। और इसके बाद मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ये लेयर्स वाले सेक्शन में। इसका साइज़ देखिए थोड़ा सा छोटा है तो मैं इसको बड़ा कर दूँगा, ये आ गया, ये साइज़ इसका बड़ा हो गया। बाकी आपने इसको फिट कर देना है। ये जो है ना इसका यूट्यूब वीडियो का साइज़ है 1280x720, आपने ये साइज़ पहले सेट कर लेना, इस साइज़ में आपने वीडियोस बनानी है। जिस तरह की ये वीडियो की वॉइस है जो जो है ना, मतलब कि जो वीडियो हमने डाउनलोड की है इसमें भी जो इसका म्यूज़िक है या जो भी वॉइस है, आपने इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आएंगे सेपरेट वीडियो एंड ऑडियो कर देना है। देखें अब ये वीडियो अलहदा हो गई है, ये ऑडियो अलहदा हो गई है। ऑडियो को आपने डिलीट कर देना है। ऑडियो को डिलीट करने के बाद आपके पास ये खाली वीडियो रह जाएगी। उसके बाद आपने जो भी वॉइस आपने रिकॉर्ड की होगी, फ़र्ज़ किया कि कोई भी आपकी वॉइस है, जिस तरह का मैंने अभी यहाँ पर ये की थी, मैं इसको करता हूँ यहाँ पर एक्सपोर्ट, ऑडियो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। ये जो वॉइस है ये डेस्कटॉप पे सेव होगी, हम इस तरह इसको उठा के लेके आएंगे, उठा के ला के यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। ये ए वाली थी, ये मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये वॉइस इस तरह आ जाएगी। जिस तरह मैंने जस्ट आपको बताने के लिए सिंपल यही इतनी सी वॉइस रिकॉर्ड की है। अगर आपका फिर भी शोर इसमें कोई नॉइस वगैरह हो तो आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो सेक्शन में आएंगे, यहाँ से आप इसका वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं और इनेबल नॉइस रिमूवल पे क्लिक करेंगे तो इसमें हल्का फुल्का जो शोर वगैरह होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह अभी ये देखिए वीडियो चल रही है और साथ में मेरा भी वॉइस चल रही है, क्रिएटिव कॉमन हम वीडियो यूज़ करेंगे, इसमें किसी किस्म का आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। बाकी आपने अपना टॉपिक जो है वो किस तरह चूज़ करना है, आप सिंपली गूगल पे आएंगे, गूगल पे आके मैं जस्ट ये लिख देता हूँ टॉप 10, जस्ट टॉप 10 थिंग्स लिख देता हूँ, तो हमारे सामने ये जो काफ़ी है ना वेबसाइट से ओपन हो जाएंगी। ये देख लें जो भी है ना चीज़ें, जो जिस तरह भी आपको मिलती है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप 10 ब्रिज्स इन USA, जिस तरह मैंने ये लिख दिया है, तो यहाँ पे जो ब्रिज हैं उनके सामने आपको नाम भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिस तरह ये ब्रुकलिन है, ब्रुकलिन ब्रिज है। अगर आपको इस पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली यूट्यूब पे आएंगे, यूट्यूब पे आके यहाँ पे लिखेंगे ब्रुकलिन ब्रिज, जिस तरह मैंने ये लिखा आपके सामने ये जो वीडियोस आएंगी, वीडियोस में आपने सिंपली यहाँ पे फ़िल्टर में जाना है और क्रिएटिव कॉमन जो फ़िल्टर है वो यूज़ कर लेना है। और उस ब्रिज की जो डिटेल वगैरह है वो आपको उससे विकिपीडिया से मिल जाएगी। जिस तरह हमारे पास ये टॉप पे वीडियो आ रही है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करता हूँ तो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन में आपने लाजमी चेक कर लेना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो भी वीडियो ओपन करनी है आपने उसकी डिस्क्रिप्शन में लाजमी चेक करना है कि वो क्रिएटिव कॉमन है या नहीं है।
इस तरह मैं इस पे आता हूँ, ये देख लें आपके सामने क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज्ड अलाउड, रीयूज्ड अलाउड। अगर आप इसको लाइसेंस को रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि आप इनको जो करना चाहते हैं, रीयूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चेंजिंग है एडिटिंग करना चाहते हैं वो करके आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप वैसे ही इसको रीयूज़ कर देंगे तो इसमें आपको कॉपीराइट का जो है ना चांसेस होते हैं, वो कॉपीराइट आ सकता है आपको। तो ये एक सिंपल सा मेथड जो बहुत ही इजी है। अगर आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग स्किल है तो आप इंग्लिश टॉपिक कवर कर सकते हैं, उससे आपकी अर्निंग 100% से ज़्यादा हो जाएगी, 100 से भी ज़्यादा जो है ना। अगर मतलब कि अगर आप एशियन कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं उर्दू लैंग्वेज में, तो उसकी जो है आपकी अर्निंग कम होगी। अगर आप उसको इंग्लिश जो लैंग्वेज उसको यूज़ करते हैं तो आपके टारगेट कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को, तो वहाँ पे आपको अर्निंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। और वीडियो आपने सिंपल इस तरह बना के अपने टॉपिक से कवर करके, तो आपने इसको सिंपली आपने यूट्यूब पे आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए मेरा जो है ना, अगर आपने यूट्यूब वीडियो पर मैंने बताया हुआ कि आप टाइटल टैग्स वगैरह किस तरह चूज़ कर सकते हैं, इसमें आपके टाइटल तो एक किस्म का बने जाएगा, जिस तरह के टॉप 10 डॉग्स इन USA या किसी भी कंट्री का कर लें, या वर्ल्ड का कर लें, टॉप 10 डेंजरस डॉग ऑफ वर्ल्ड इस तरह कर लें, तो आपको टाइटल जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और टाइटल से रिलेटेड आप टैग्स कौन से यूज़ करेंगे और डिस्क्रिप्शन कैसे यूज़ करेंगे उस पर मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे आएंगे, वीडियो सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे आपके सामने है ये दो वीडियोस नज़र आ रही होंगी, हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब, एक ये वीडियो, और दूसरी जो है ये वाली रैंक नंबर 1 ऑन यूट्यूब इन 10 मिनट्स। यहाँ पे इसमें मैंने प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को वॉच करके तो अपना जो भी वीडियो है आप बना लेंगे, उसको अपलोड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि टॉप 10 रिलेटेड के टॉप 5 रिलेटेड वीडियोस आप किस तरह बना सकते हैं, कंटेंट किस तरह आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं, उनको आप किस तरह अपना वॉइस ओवर कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक हॉट टॉपिक है, और अच्छे खासे इस पर व्यूज आते हैं। अगर आप इस पर काम करते हैं तो इनशाला आप $1000s में आप अर्निंग अपनी लेके जा सकते हैं विद इन 1 ईयर। जो मैंने आपको बताया इसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और अपना चैनल स्टार्ट करना है। चैनल आपने जो भी स्टार्ट करना है कोशिश कीजिए कि न्यू चैनल स्टार्ट करें, न्यू चैनल बनाएं, न्यू ईमेल बनाएं, पुराने किसी चैनल पर वर्क मत करें, टोटली न्यू काम करें, लीगल तरीके से काम करें, कहीं पर भी ब्लैक हैट मेथड आपने यूज नहीं करना, जो भी काम है आपने टोटली रियल करना है। अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन आपको लगी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आई हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा विद इन फ्यू मिनट्स आपको उसका जवाब दे दूं। अगर आपने हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको भी ज्वाइन कर लें, वहां पर भी आपको इंस्टेंट सपोर्ट मिलती रहेगी। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।